हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल की खिचड़ी। ये खिचड़ी बहुत फेमस है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वीडियो भी पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 कटोरी हम यहाँ पर चावल लेंगे, इसकी क्वांटिटी 2 कटोरी रखेंगे हम। और 1 कटोरी हम इसमें लेंगे उड़द की दाल। ये खिचड़ी जो है वो बहुत टेस्टी लगती है और कम समय में बन जाती है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दोनों चीज़ों को। और याद रखिएगा, हमें जो दाल की क्वांटिटी है वो कम ही लेनी है, यानी कि 2 कटोरी चावल लेने हैं और 1 कटोरी दाल लेनी है। दाल की क्वांटिटी कम ही रखेंगे चावल के अकॉर्डिंग। अब इनको अच्छे से जो है हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि गंदगी जो है वो सब निकल जाए अच्छे से। तो 2-3 बार इनको वॉश करना है अच्छे से। तो ये जो दाल है वो अच्छे से वॉश हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर कर भिगोने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर हम तड़के के लिए, जब तक प्याज जो है वो हमने यहाँ पर चॉप कर लिए, एक प्याज चॉप करी हमने बारीक और एक हरी मिर्च हमने इसमें चॉप करी है। ये जो खिचड़ी होती है इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और हींग जीने में ही झुक जाती है और उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो हम जो तड़का लगाएंगे वो हींग जीरा और प्याज और हरी मिर्च का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो देसी घी का भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पर तेल यूज़ किया है। तो इसमें जो है हींग डाल देंगे हम और थोड़ा सा जीरा भी इसमें डालेंगे, और जो हमने हरी मिर्च चॉप कर ली थी वो इसमें डाल देंगे। पहले इन तीनों चीज़ों को भून लेना है अच्छे से और चलाते रहना है। अभी अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें प्याज भी डाल दीजिएगा और अच्छे से इनको भूनना है, जब तक कि हल्के गुलाबी कलर की ना हो जाए। प्याज को अच्छे से भून लेना है। तो देख सकते हैं प्याज जो है वो ऑलमोस्ट भून चुकी है अच्छे से। अब इसमें क्या डालेंगे, हम अपनी खिचड़ी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर खिचड़ी डाल दी है और इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आप चावल के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर चावल हमारे 2 कटोरी चावल है और 1 कटोरी दाल है, तो हमें इसमें 2 गिलास या 3 गिलास पानी डालना है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड और कर दिया है क्योंकि हमें कम लग रहा था। इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। यहाँ पर हमने गैस को तेज कर दिया है और इसमें हमें 1 सीटी लेनी है। 1 सीटी के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देख सकते हैं 1 सीटी आ चुकी है, हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है और खिचड़ी हमारी रेडी है बनकर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि और जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए।